Hello, good morning and welcome to today's vlog. Just अभी थोड़ा देर पहले उठी हूँ मैं and I freshen up having my hot lemon water. Finally, officially मेरा exams, practicals सब खत्म हो गए हैं. I'm done. तो मेरे को बहुत skip हो गया था. I didn't upload a video so long. In every week I'm gonna upload 2-3 videos. So please stay tuned और please bell icon को press कर देना. तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी माय मामा ने क्या सेंड किया है और रूममेट उसका भी घर से पार्सल आया है. तो ओवरऑल मैं सब दिखाऊंगी कि हमारे घर से ये प्यारे प्यारे खुशबूदार चीज़ें आई है जो हमें खाने के लिए बहुत पसंद है, जो हमें बहुत पसंद है खाने में, और यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है. तो मैं आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में. सो गाइस, मैं सोच रही हूँ कि आप सभी के साथ अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी सारे कमेंट्स जो है, स्पेशली गर्ल्स, मेरा जो भी स्किन केयर रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ. आज मैं अपना मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन आप सबको बता दूँ कि मैं क्या करती हूँ. सो दिस इज़ माई ऑल टाइम फेवरेट. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ वाओ स्किन साइंस एलोवेरा जेल इज़ 99% प्योर एंड दिस इज़ टोटली फ्री फ्रॉम पैराबेन, मिनरल ऑयल्स, सिलिकन कलर एंड सिंथेटिक फ्रेग्रेंस. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स ये है कि ये सेंसिटिव एक्ने प्रोन स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा ही अच्छा है. एंड इन समर सीजन ऑब्वियसली एलोवेरा जेल इज़ अ सेवियर. सो आई एम गोना टेल यू कि इस एलोवेरा जेल को मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ. सो इस एलोवेरा जेल को मैं एज अ क्लींजर भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह अपना फेस को क्लींजिंग करने से आपका फेस ग्लो करता है. आप इसको मैं थोड़ा 2-3 मिनट तक मसाज करती हूँ अच्छे से. आप उस नॉर्मल कॉटन से आप सारा इसका जो डर्ट्स होगा वो सब रिमूव कर दें. सेकेंडली, इस एलोवेरा जेल को एज अ फेस पैक भी यूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आपका फेस को हाइड्रेट कर देगा. गुड अमाउंट में ले, बहुत ज़्यादा, और इसके बाद आप इसको एज अ फेस पैक की तरह बस ऐसे लगा के छोड़ देना है. सो अच्छे से ड्राई होने के बाद आप किसी भी वेट टॉवल को लेके इसे क्लीन कर सकते हो. एंड इस एलोवेरा जेल को आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो. जैसे कि फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर करना कितना इम्पॉर्टेंट है, प्राइमर करने के बाद आप अपना फाउंडेशन लगाइए एंड यू कैन सी द डिफरेंस. सो ये प्राइमर के तौर भी बहुत अच्छा काम करता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच. इट्स माई ब्रेकफास्ट टाइम, माई रूममेट मेक दिस सैंडविच और ये मेरा चाय. चाय इज़ ऑल टाइम फेवरेट, मुझे सुबह और शाम चाय तो चाहिए ही चाहिए. आई एम अ चाय लवर. सो इफ यू गाइस आर चाय लवर, सो प्लीज़ मुझे कमेंट में चाय लवर और एक रेड हार्ट भेज देना, ताकि मैं समझ जाऊँ कि आप लोग भी चाय लवर हैं मेरी तरह. सब कुछ हो गया, रूम भी सब पीछे से सब कुछ क्लीन हो गया, घर भी साफ़ हो गया है. तो अब दिखाने की बारी है जो दिखाना था इस वीडियो में. तो हम नॉर्थ ईस्टर्न पीपल और स्पेशली नागास जो अखुनी वगैरह बहुत पसंद करते हैं, मैं वो सब दिखाने वाली हूँ. इसमें दिखाने से क्या इतना फ़ायदा है, क्योंकि आप सब ने तो देखा हुआ है. बट आई एम सो एक्साइटेड, क्योंकि मेरे घर में सब ये ख़त्म हो गया था. चाहे तुम लोग कितना भी फ्राइज, मतलब इंडियन फूड समझ लो, बट कहीं ना कहीं हमारा ट्रेडिशनल हमारे दिल में होता है. मेरे लिए नागा फूड बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. लाइट बॉयल टाइप में होता है, वेजिटेबल्स बॉयल, और उसके ऊपर एक तुम ड्राई फिश डाल दो तो आह क्या मज़े खुशबू आती है, और खाने में भी क्या मज़ा आता है. और ये सेशन में हमारा फेवरेट चीज़ जो गिरने वाला है, दिस वन इज़ माई फेवरेट, क्योंकि ये चटनी में बहुत टेस्टी लगता है. यू नो, एक काइंड ऑफ ड्राई फिश है, मुझे नाम नहीं पता किसी का भी. ड्राई बैम्बू शूट, पास तेंगा, प्रॉन्स है, ड्राई जो छोटा छोटा वाला प्रॉन्स होता है लाइक दिस. व्हाट इज दिस? दिस इज अखुनी. तो
अखुनी से मुझे इस कुछ याद आ रहा है। अब सभी ने अखुनी मूवी तो देखा ही होगा, वो नेक्स्ट लेवल का मूवी है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। उस मूवी में, उस मूवी का क्या मोटिव था कि वो लोग अखुनी कैसे बनाए, उधर भटकते रहते हैं, वो लोगों को एक भी जगह नहीं मिलता अखुनी बनाने के लिए। सो मुझे एक सीन अखुनी मूवी का जो बहुत ही अच्छा लगा है, उसका नाम है मिस मेरन ला इम सॉन्ग करके। तो वो नागालैंड से है और शी इज़ फायर, शी इज़ अनदर लेवल, वो एक अनदर लेवल की लड़की है। शी इज़ लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी, वो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। आई जस्ट लव हर, आई एम नॉट दैट मच गुड इन एक्टिंग, बट मैं ट्राई करूँगी कि उस मूवी का सीन्स को मैं एक अपॉर्चुनिटी के तरह एक प्रेजेंट करना चाहती हूँ, बिकॉज आज अखुनी बन रहा है तो अखुनी मूवी का एक सीन तो बनता ही है। कोई नया बंदा दिखाई पड़ता है, वैसे भी तुम सबकी शक्लें एक ही सी होती हैं, कैसे पता चलेगा कौन रहता है? अगर हम सबके शक्लें एक ही जैसे होते हैं तो तेरे को कैसे पता है कि हर बार दूसरा बंदा आता है इधर? हर भी नए बंदे दिखाई पड़ते हैं इधर, वैसे भी तुम सबकी शक्लें एक ही सी होती है, कैसे पता चलेगा कौन रहता है इधर? अरे अगर हम सबकी शक्लें एक ही जैसी होती है तो तेरे को कैसे पता होता है कि हर बार दूसरा बंदा आता है इधर? दिस इज़ माई माइक और मैं माइक लगा के आज थोड़ा बहुत मुकबंग करने वाली हूँ। सो दिस इज़ द स्टार ऑफ द डिश, बाकी तो नॉर्मल अंडे वगैरह है। ये तो बैम्बू शूट है, हमारा चिकन है। एक्साइटेड? ऑब्वियसली हमेशा खाने में तो मैं एक्साइटेड होती हूँ। सो शैल वी स्टार्ट? सो लेट्स प्रे। Let's have this egg.